उसके बाद हम जल्दी से नेक्स्ट चैप्टर के ओर स्टार्ट कर देंगे, ठीक है? लेट मी शेयर माय स्क्रीन। सो हमने थीम्स ऑफ द पोम तो ऑलरेडी डिस्कस कर ली थी, है ना? थीम्स ऑफ पोम डिस्कस कर ली थी ना हमने? हर्षित, अक्षत, मोहित? यस मैम। और शायद हमने सेकंड स्टैंजा तक पोएटिक डिवाइसेस भी कर ली थी। रेपिटेशन हमने लास्ट में किया था, फार फार, इट्स रेपिटेशन। यस। चलो अब थर्ड स्टैंजा पे चलते हैं जल्दी से। Surely Shakespeare is wicked, the map a bad example, with ships and sun and love tempting them to steal. अब जल्दी से आप लोग मुझे बताओ, raise your hand, poetic device. Raise your hand. हम लोगों ने बहुत elaborate discussion किया था poetic device identify करने के लिए, assonance, consonance, alliteration, simile, जो भी third stanza, ये जो green colored ink में है, जहाँ पे भी wherever you are able to identify the poetic device, raise your hand. Yes, Mohit. Ma'am, assonance. कहाँ पे? A sound. Ma'am, a sound is being repeated. Ma'am, map a bad example. Yes, map a bad example. A sound is getting repeated. Assonance. Very good. Then, Mohit, you can lower down your hand. Harshit, Akshat, और भी ये बहुत सारी poetic device identify करो. Try it out. हम देख रहे हैं। चलो इतने मैं एक बताती हूँ। थर्ड लाइन देखो, फ्रॉम lives दैट slyly टर्न इन their cramped होल्स। अब cramped होल्स क्या है? कन्फाइंड होम्स। द होल्स आर हियर रेफरिंग टू देयर homes, that their homes are as small as those confined, their homes are as small as those confined holes. Rat holes होते हैं ना जैसे, छोटे छोटे, so they are similar to that. So cramped holes is what? Metaphor. Yes, very good. Cramped holes is metaphor. Underline, cramped holes, metaphor. Yes, चलो अब नेक्स्ट, अब आगे देखो। एक तो डायरेक्ट दिख रही है मुझे, जो आप लोग बहुत इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो। कोशिश करो हर्षित, अक्षत, मोहित, आप भी ट्राई करो। मैम सिमिली। सिमिली, यस। कहाँ पे है सिमिली? ग्लास बॉटल ब्रेक्स ऑन स्टोन्स एंड इट गेट्स इनटू मेनी पीसेस इन द सेम मैनर देयर ग्लासेस आर मेंडेड। डन। नेक्स्ट फोर्थ स्टैंजा पे चलते हैं। जल्दी से देखो। और एंड वन मोर थिंग बेटा, ये जितने भी ये एग्जाम्पल आपको दिए हुए हैं, बेल्ट, फ्लारी, टायरोलीज, ऑल दीज आर इमेजरी। नैरो स्ट्रीट सील्ड, फार फार फ्रॉम रिवर्स, केप्स, स्क्विरल गेम एंड ट्री रूम, जो भी वर्ड्स हमें इमेजिन करने पे प्रोवोक करते हैं दैट वी आर एबल टू रिलेट, दे आर पार्ट ऑफ इमेजरी। यस, अब पहले हर्षित को चांस देंगे। मोहित प्लीज वेट। ओके हर्षित। मैम फोर्थ स्टैंजा में मेटाफर है। कहाँ पे? मैम हिस्ट्री देयर हूज लैंग्वेज इज द सन। दोबारा बोलो। हिस्ट्री देयर हूज लैंग्वेज इज द सन। हिस्ट्री देयर हूज लैंग्वेज इज द सन। ओके मेटाफर। मोहित। मोहित मैम इन द थर्ड स्टैंजा लास्ट लाइन slums as big as doom, ma'am, it is a simile. Yes, slums as big as doom, simile. Fourth stanza mein dekha apne kuch? Akshat,
अक्षत चलो फोर्थ स्टैंडर्ड ट्राई करो जल्दी से, बहुत ज्यादा नहीं है फोर्थ में। ये देखो पहले ब्रेक ब्रेक रेपिटेशन ब्रेक 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 तीन बार आ रहा है एक ही लाइन में रेपिटेशन। मैम सिमिली सिमिली इन द थर्ड मैम थर्ड लाइन दैट शट अपॉन देयर लाइव्स लाइक कैटाकॉम्ब्स। यस लाइक कैटाकॉम्ब्स सिमिली that their lives are shut as if they are lying down in a cemetery, yes, in a tomb. Then Harshit try karo, Akshat ek aur hai, ek ya do aur hai, poetic device करो, ट्राई तो करो। चलो एक नई है वो मैं बताती हूँ, पहले ये देखो ध्यान से, लास्ट थर्ड लाइन फोर्थ स्टैंजा, रन एज़्योर ऑन गोल्ड सैंड्स एंड लेट देयर टंग्स रन नेक्ड इनटू बुक्स। अब ये देखो दोनों लाइंस जो है किससे स्टार्ट हो रही है, रन सेम वर्ड से स्टार्ट हो रही है ना। यस मैम। तो ये क्या है, एनाफोरा। व्हाट इज दिस एनाफोरा मैम, कैन यू प्लीज स्पेल इट आउट? आई एम राइटिंग इट इन द चैट बॉक्स फॉर यू ऑल। See, it must have reached anaphora. Anaphora means when the lines, means one after another line is starting with the same word. Right? Run, run. The word is same. So this is anaphora. Next. अब एक और है अगर बता पाओ तो, ये देखो मेरा कर्सर वही है, चलो मैं ये बता देती हूँ, लास्ट सेकंड लाइन बोलो बोलो। एजोनेंस कहाँ पे? मैम व्हाइट एंड ग्रीन लीव्स ओपन, ई साउंड इज बीइंग रिपीटेड। बेटा ई साउंड ठीक है, ग्रीन लीव्स में रिपीटेड है, एजोनेंस आ रहा है, बट उससे भी ज्यादा द मोर प्रोमिनेंट पोएटिक डिवाइस हियर इज मेटाफर। व्हाइट एंड ग्रीन लीव्स, ग्रीन लीव्स स्टैंड फॉर नेचर, व्हाइट लीव्स स्टैंड फॉर बुक्स, व्हाइट पेजेस ऑफ बुक्स दैट लेट द चिल्ड्रन गेट एक्वेंटेड नॉट ओनली टू द नेचर, the beauty of the nature, but also to the beauty of education, their books, the opportunity of learning. Got it? White and green leaves are metaphor. Done? Yes, Harshit, Akshat, Mohit? Yes, ma'am. Okay. चलो लेट अस मूव देन टू द नेक्स्ट पार्ट सो दैट वी कैन कंक्लूड दिस चैप्टर। एक बात बताओ, तुम सारे अब मेरे ब्रॉडकास्ट पे हो? अब जब मैंने आज मैसेज भेजा था क्लास का, yes, अभी मैंने इसीलिए ट्रायल के लिए भेजा था कि जो नहीं होंगे उनको फिर मैं ऐड कर लूंगी, जब तक आप मेरा नंबर नहीं सेव करोगे आई थिंक देर मस्ट बी सम प्रॉब्लम। अगर आप मेरा नंबर जब तक सेव नहीं करोगे ब्रॉडकास्ट शायद आपके पास ना पहुंचे ढंग से, तो आई होप यू ऑल हैव सेव्ड माय नंबर। चलो अब जल्दी से हम ये क्वेश्चन, अक्षत ब्रॉडकास्ट आया था आपके पास? नहीं आया था। आपने मेरा नंबर सेव किया अक्षत? मैम किया हुआ है। यस मैम। एक मिनट रुको अक्षत। जरा अपना नंबर बोलो अक्षत। 56390 है ना? यस सर। बट बेटा ये नंबर तो मेरे पास एडेड है, और दूसरा नंबर कौन सा, ये 9910112553? मैम पापा का है। तो पापा के नंबर पे गया होगा, या तो मेरे पास एक ही नंबर था ये वाला, रुक जाओ मैं दूसरा नंबर भी अभी ऐड कर लेती हूँ तुम्हारा, उसके बाद फिर मुझे बताना आया नहीं आया, ठीक है?
चलो ठीक है, आई विल सेंड द थिंग वंस अगेन. जब हम कोई पीपीटी वगैरह कुछ पढ़ाऊंगी तब उसके बाद देखूंगी. नेक्स्ट क्लास तक मुझे लगता है कि तुम्हारे पास भी आने लगेगा. चलो अब नेक्स्ट जल्दी से अक्षत फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ो बेटा. आई होप इट इज विजिबल. What do you think is the color of sour cream? Why do you think the poet has used this expression to describe the classroom walls? The color of the wall has been worn out due to lack of maintenance. The color has deep connotation. Connotation means deep meaning, deep reference. It includes the present plight of the students of the classroom whose life is pale and light. Yes, it relates to the present plight of the students, situation of the students. Okay, Mohit, second question. How do the decorated walls of the classroom contrast with the world of these children? Answer, a world the children view through the destroyed windows is gloomy, dignity, dirty and full of miseries. Than that of the fancy images of glowing landscape, valley and the city dome, adorning the classroom wall. Well, yes, adorning the classroom wall. Adorning means decorating. Yes. Harshit, third question. Why does the poet Stephen Fender call the map a bad example? The use of map seems futile. Futile means waste. Futile for the slum children due to their restraint. The socioeconomic status, they will hardly explore the areas shown on it or make any use of them in near future. Yes. Okay. Akshat, fourth question. Still, their school language is the sun. How far does this statement of the poet go true and good? Sun is regarded as the most powerful source of energy in our universe. Thus, men having the warmth and strength of the sun can overcome any barrier of the accepted social standards and achieve the impossible to create history. अब ये जो fourth question है, ऐसा fourth question जो है आपको short question में भी आ सकता है और long question में भी. History days whose language in the sun. How far does the statement of the poet hold true and good? And give your justification with more examples. So you can talk about any example that how the people came up from their humble background and covered the distance from rags to riches. Chalo, ab fifth question. Mohit. What should the governors, teachers, inspectors, and other important powerful people do to improve the lot of children living in slums? Their unsuitable environment of the slums, like internal dark part of the graves, has shut all the gates of progress. They must speak into the slum people world to make it better where they can wander beyond the slums to the green fields. Yes. Okay. Harshit. Sixth question. Right. Bring out the ironical situation in the system of education of the slum. Education sponsored by proud rich benefactors hardly peep into the lives of underprivileged slum people. The donation hardly makes the difference to the beneficiaries, and they too are indifferent towards the aid they receive. Both are mutually comfortable with their hollowness. Means? Why the situation is ironical कि सब कुछ दिया जाता है, प्रोवाइड कराया जाता है, ना तो डोनेशन देने वाले को पता है कि जो डोनेशन जिसको दी जा रही है उसका क्या स्टेट है, और जिसे डोनेशन मिल रही है ना उसे उस बात की वैल्यू है कि जो डोनेशन मिल रही है क्या उसके वो किसी काम की है भी या नहीं. दैट इज वाई द स्टेट ऑफ दिस डोनेशन इज आयरॉनिकल एंड दिस डोनेशन होल्ड्स टू बी मीनिंगलेस फॉर बोथ द पार्टीज, जो दे रहा है और जो एक्सेप्ट कर रहा है, दोनों के लिए. ओके Akshat, seventh question. What is the social issue that Stephen Spender raises in the poem? Stephen Spender rightly analyzes how the downtrodden are mistreated by the elites and take credit in the name of social welfare.
Here the slum dwellers are educated with an unscientific method that will never make them achieve anything or lead a better life. Yes. So I hope you all are able to relate to the questions, the 7 questions that were just trying to give us a glimpse. अच्छा मुझे जल्दी से बताओ, हमने राइम स्कीम पे बात की थी फर्स्ट क्लास जो हमने माय मदर एट 66 किया था, जब मैंने आप लोगों को राइम स्कीम समझाई थी, जरा जल्दी से मुझे बताओ इस पोम में कौन सी है राइम स्कीम? Raise your hand quickly. मैम राइमिंग स्कीम का कांसेप्ट आप समझा देना एक बार. राइम स्कीम दोबारा समझाऊं? अच्छा चलो देखो यहाँ पे, अब देखना जरा, ये देखो, अब मुझे लगता है चारों स्टैंजा फिर से दिख रहे हैं आपको. अब जरा अपनी बुक्स में मार्क करना, स्टार्ट करना. राइम स्कीम बहुत इंपॉर्टेंट है समझने के लिए और आगे भी आइडेंटिफाई करने के लिए, क्योंकि जो भी आपको स्टैंजा दिया होगा, बेसिकली दिस क्वेश्चन कम्स एज अ पार्ट ऑफ आरटीसी, रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट. फेसेस, फेसेस, अब हमने फेसेस जैसे हम मैथ्स में करते थे, आप लोग 10th स्टैंडर्ड में आप सबके पास मैथ्स था, तो जब आपको कोई भी इंटीजर रिज्यूम करना होता तो आप क्या करते थे, लेट इट बी एक्स. तो अब हमने फेसेस को क्या किया, ए. फेसेस को क्या किया, ए. पैलर, अब फेसेस और पैलर दोनों में कोई राइमिंग नहीं है ना, तो इसको क्या कर दिया, बी. ठीक है, पेपर सीमिंग, अब ये देखो पेपर और रैट्स आईज. अक्षत, अब यू वर सेइंग समथिंग. अक्षत यू आर नॉट ऑडिबल बेटा. नहीं समझ आ रहा अक्षत, थोड़ा सा अपना वॉल्यूम को चेक करो. तो आई वॉज सेइंग, अब यहाँ पे द रीजन इज दैट वी विल नॉट बी एबल टू आइडेंटिफाई एनी राइमिंग वर्ड्स कमिंग आफ्टर वन अनदर, बिकॉज द पोम इज रिटन इन फ्री वर्ड्स, ब्लैंक वर्ड्स. वर्ड्स मतलब पोम, वी ई आर एस ई, वी ई आर एस ई. ये देखो मैंने स्पेलिंग तुम लोगों के लिए लिख दी है चैट बॉक्स में, ब्लैंक वर्ड्स और फ्री वर्ड्स. सी, ब्लैंक वर्ड्स और फ्री वर्ड्स. यस, ब्लैंक वर्ड्स और फ्री वर्ड्स मीन्स दैट द पोम इज नॉट हैविंग एनी राइमिंग. आगे मतलब राइमिंग वर्ड्स एंड में नहीं है कि एक फिक्स पैटर्न में आ रहे हैं, तो ऐसी पोम को हम क्या कहते हैं, फ्री वर्ड्स और ब्लैंक वर्ड्स पोम. वर्ड्स मीन्स पोम, ब्लैंक मीन्स, ब्लैंक का मतलब क्या होता है, खाली. अब यहाँ पे फ्री और ब्लैंक दोनों का मतलब क्या है कि वहां पे कोई राइम स्कीम नहीं है, राइट. चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं. तो राइम स्कीम समझ आ गई मोहित, अक्षत? यस मैम. चलो एक बार अपनी पोम माई मदर एट 66 को करके देखना, जो राइम स्कीम हम लोगों ने डिस्कस की थी उससे काफी कुछ और समझ आ जाएगा. अच्छा अब ये बताओ हमारे लिए मैसेज क्या है, व्हाट इज द पोएट ट्राइंग टू टीच अस थ्रू हिज पोम? बोलो, इंटरप्रेट, व्हाट आर वी लर्निंग फ्रॉम द पोम? यस मोहित. मैम वी शुड थैंक टू गॉड For giving us the good conditions, not like the people who are living in the slum. Okay, we should be thankful to God for giving us the opportunity to learn. What else? Akshat, Harshit, please add on. The poem is giving us a message that education has a noble purpose, a noble goal, to teach all, to give equality to everyone. But here we are talking about the system of education which is discriminating between the, according to the social class of the person. So the poet is talking about the disparity that is there in the education system and how the effort of each one of us, those who, because soon you people will be stepping ahead and some of you will be giving the exam of IAS, going on to the higher positions, and you will be the donation givers as well to such slum schools. So the poet is motivating us that whatever is done, we can't change it. But if each one of us is going to put an effort, then the situation of slum schools, the children studying there,
can be changed and they can also be made a part of the real world. Because until unless these students, these children are brought out from their slum, from their background, they cannot learn something new. So the only solution to bring them into one case, one situation, one frame is to change their scenario of learning, to do something in a realistic manner. Clear? और सेटिंग क्या है पोम की, जल्दी से बता दो। सेटिंग तो मुझे लगता है तुम लोगों को पता होगा, हमने शुरू में ही सबसे पहले वही बात की थी सेटिंग के बारे में। मैम क्लासरूम। यस, द स्लम क्लासरूम। द सेटिंग इज स्लम क्लासरूम। द होल पोम इज हैविंग द बैकग्राउंड ऑफ दैट क्लासरूम, द रूम इन विच द चिल्ड्रन आर सेटिंग। यस यस मैम, द पोएट इज ट्राइंग टू टेल अस द सेम थिंग। Every child in the world deserves healthy food, clean shelter, and good education. It is the duty of the administrators as well as the whole society to provide these to every child because they are the future of the world. Even Rabindranath Tagore said this through his poem, Where the Mind is Without Fear. The name of the poem is this only. And the head is held high, where the knowledge is free. Into that heaven of freedom, my father, let my country awake. This means a country can only progress, a society can only become a developed one when all the people in the society, whether they are poor or rich, are having access to the basic amenities of existence, food, shelter, education. Then they can be called a liberalized developing society, right? Yes. I am stopping the screen sharing. Who has written anything in chat? Yes. We should not judge a book by its cover. We should treat everyone as equal. Very good. Okay, so now I have stopped my screen sharing. Now, boys, I want a response from you. Next chapter, main hi bataungi hum kya start karne wale hain. Pehle to ab tak jo humne teen chapters kiye hain, teen chapters kar liye humne. So, was there any doubt, anything that you were not able to understand? I hope you all have got access to the PPTs through which I taught in the class. Harshit, Akshat, Mohit. Yes, ma'am, but वो last lesson नहीं आया था तुम्हें। Last lesson नहीं आया? ma'am उसकी classes attend नहीं हो पाई थी। उसकी class मतलब आपको वो जो मैंने concept map भेजा था और वो सब तो मिला है ना आपको? Yes, ma'am. Concept map और जो PPT भेजी थी, अगर आप उसे भी पढ़ोगे ना, you will be able to understand. And secondly, Harshit, you asked about the recording. So I have conveyed the message. मैंने तुम्हें भी यही कहा था कि पहले खुद पढ़ो और उसके बाद अगर लगता है कि नहीं अभी नहीं समझ आ रहा तो then I'll ask Gaurav sir or you can ask Gaurav sir directly. अभी उनकी क्लास भी होगी next कि आपको recordings भेज दें. ठीक है? Okay ma'am. Okay. Mohit, Akshat, सारी PPTs. अभी तक मैंने तीन चैप्टर की पीपीटीज भेजी थी और फर्स्ट लेसन जो लास्ट लेसन चैप्टर था आपका उसका मैंने कॉन्सेप्ट मैप भी भेजा था सो दैट थीम प्लॉट मैसेज एवरीथिंग इज क्लियर रिलेटेड टू द चैप्टर एंड द स्टोरी इज गिवन इन शॉर्ट. सब कुछ मिला था अक्षत मोहित? यस मैम. यस मोहित, लास्ट लेसन के बारे में लास्ट लेसन की क्लासेस मिस हो गई. क्लास नहीं ले पाए थे आप? कोई बात नहीं, अभी रिकॉर्डिंग की हम बात करेंगे सर से, एक बार आप लोग भी कह देना, फिर सर आपको मेल करवा देंगे रिकॉर्डिंग. ठीक है? क्योंकि सर की बिगिनिंग की जो क्लासेस थी मैंने सर के लैपटॉप से ही ली थी और मैंने सारी क्लासेस सर को भेज दी ऑलरेडी रिकॉर्डिंग्स. यस मोहित. मैम एक्चुअली आई वाज नॉट देयर इन द फर्स्ट लेसन, आई केम व्हेन द सेकंड पोएम इज गोइंग ऑन मैम एट द एंड. Second poem means you. Did you attend My Mother at 66? No, ma'am. I was came when the last stanza was going on. अच्छा, My Mother at 66 के last stanza में आए थे आप? Yes, ma'am. No problem. आपको PPT मिली होगी ना My Mother at 66 की? Yes, ma'am. You send it. हाँ, तो when I have sent it, make sure you go through that PPT very carefully. Notes भी आपको जल्दी मिल जाएंगे. गौरव सर को मैंने mail कर दिया क्योंकि कोरोना की वजह से it's all lockdown. So the hard copy is not rightly available right now available. Soft copy में सर के पास है तो आप लोग सर से ही पूछ लेना कि अगर सर आपको कैसे provide करवाएंगे. ठीक है? जितने chapters मैंने आप लोगों को पढ़ा दिए हैं उनके जो separate notes हैं
that are having everything related to the chapter have also been mailed. ये PPT तो वो है कि आप लोगों को पढ़ाने के लिए, so that you are getting a gist of everything. क्लास डिस्कशन याद आ जाए, ठीक है. इसके बाद भी अगर कुछ रह जाता है तो हम अभी जब एक बार हमारी ऑफलाइन जब क्लासेस शुरू हो जाएंगी तो हम डाउट क्लासेस भी रख लेंगे, सो दैट यू पीपल आर फेमिलियर एंड देयर इज नो डिलेड और पेंडिंग थिंग रिलेटेड टू द चैप्टर्स डन सो फार, राइट. चलो अच्छा, मुझे ये बताओ हाउ मेनी सीजन वी हैव अराउंड अस थ्रू आउट द ईयर. गूगल मत करना प्लीज, अपनी उससे बताना. How many, Harshit? I think four. आपका question क्या है? मैंने question ये पूछा है, साल में कितने seasons होते हैं जो हम experience करते हैं? Four ही होते हैं, सोच लो. कहीं तुम बाद में change कर दो opinion. मैम five. पक्का five? Yes ma'am. नहीं करेगा फिर कोई decision. अक्षत अभी तुम्हें भी कुछ कहना है तो कह लो. हर्षित, मोहित, अक्षत, ठीक है. अब जरा काउंट करते हैं, जरा समर से काउंट करते हैं. अभी समर्स चल रहा है ना, समर्स फिर मैम देन मॉनसून, देन मॉनसून, ओके मॉनसून सीजन, देन मैम देन विंटर, विंटर ओके, आफ्टर दैट ऑटम, spring. Yes, five seasons are there. Yes, summers, rainy season, autumn season, winter season and spring season. बीच में वो fall season भी होता है, but we don't count that as such. So अब सबसे अच्छा season कौन सा होता है, अब अपने अपने जरा choices बताओ मुझे. मैम winter. Winter, हर्षित को winter बहुत अच्छे लगते हैं, चलो जितना मर्जी cover up कर लो, sweating नहीं होती, कुछ नहीं होता. मोहित, मैम रेनी सीजंस, रेनी सीजन, मोहित को भीगने का बहुत शौक है बारिश में. अक्षत, अक्षत, अक्षत की तो आवाज ही नहीं आ रही मुझे, मैम को बोल रहा समर, समर ओके. अक्षत को समर बहुत अच्छा लगता है, एसी चला के बैठ जाओ रूम में, कहीं बाहर नहीं जाना, और जाना भी है तो कार निकालो, एसी चलाओ, और कोई कपड़े नहीं पहनने होते इतने सारे, शर्ट पहनी पतली सी, ट्राउजर्स पहने, कैपरी पहनी, एंड वी आर रेडी टू गो. यस ओके, सो नाउ एवरी सीजन हैज इट्स ओन इम्पोर्टेंस. समर्स की बात करें, अपनी एडवांटेज डिसएडवांटेज है, स्वेटिंग होती है तो साथ साथ आइसक्रीम खाने को भी मिलती है. रेनी सीजन पकौड़े खाते हैं हम, है ना मोहित, पकौड़े याद आ रहे होंगे अब तो. Yes, ma'am. सामने जब रेन्स हो रही होती है और हम लोग पकौड़े खा रहे होते हैं, चाय बन रही होती है, और वॉट एवर इज आवर प्रेफरेंस ऑफ बेवरेज, वेदर इट इज चाय और कोल्ड ड्रिंक. यस, अब सबके मुंह में पानी आ रहा होगा, क्लास खत्म होगी तो गौरव सर की क्लास है, पकौड़े कब खाएंगे. चलो ओके, मूविंग फर्दर, ऑटम, ऑटम सीजन क्यों होता है, क्या पर्पस होता है ऑटम सीजन का? मैम द old leaves fall and the new leaves comes. The old leaves fall, new leaves नहीं आती उस time. सिर्फ old leaves fall down कर जाती हैं. The degenerating leaves fall down. Winters, winters में क्या है? Heater चला के या cover up करके बैठ जाओ room में, cozy होके, and you can sleep anytime you want. Blanket में खुद को cover कर लो और आप जब मर्जी सो सकते हो. You feel so cozy and warm. है ना? There is no limit to cover up yourself. Style मारने का भी मौका मिल जाता है with different jackets, caps, boots and all that. अच्छा एक सीजन और होता है स्प्रिंग. स्प्रिंग की वैल्यू क्या होती है? स्प्रिंग सीजन को सब बड़ा, सारे फेस्टिवल्स का ऑनसेट जनरली स्प्रिंग सीजन से हो जाता है ना? स्प्रिंग की क्या वैल्यू होती है? मैम न्यू फ्लावर्स एंड न्यू लीव्स. यस, न्यू फ्लावर्स, न्यू लीव्स ब्लूम. यस, द न्यू लाइफ बिगिंस. सो when suppose if spring season is not existing at all, can we imagine the crops or any such thing to be existing around us? The winters ke baad jaldi se summers aa jaye suddenly, can we go with that transition? No ma'am, no we can't. Hum log used to hain aur spring season hamare liye bahut important hai. Jab itni harsh chilly winters ke baad spring season aata hai and the weather becomes so calm pleasant, na to thand hoti hai na garmi hoti hai. Yes, we enjoy that kind of weather. Yes, so
the thing is that spring season holds its own importance. And if we imagine our states, our seasons without spring season, then they remain incomplete. Har ek season ka apna apna importance hai. And spring season has a special importance because it gives chance for the other plants, flowers, pollination, so many creatures of the world come up in the spring season due to that pollination and blooming season. Yes, agar hum is blooming season ko hi hata dein, toh I think the nature will lose its balance. So here also we are going to talk about the same issue through our next chapter. Ab zara chapter ka naam bata do, kaun batane wala hai? Hint to maine bahut sare de diye already. Last spring. Yes. Akshat kabhi kabhi bolta hai, par Akshat to the point bolta hai. Yes, we are going to talk about the lost spring. Spring season, though, is related to all the time, to plants, flowers, beauty of nature. But spring season here in this chapter is going to talk about the flourishing life, that how, due to the bondages of slavery, due to the conditions, due to the bondages of their social class, the children who are actually symbolizing spring, because they are blooming, they are growing up, they are losing their willpower. Yes, they are not able to enjoy their childhood. अच्छा मुझे एक बात बताओ, childhood की कौन सी ऐसी चीजें जो सबसे ज्यादा याद है, that you miss, क्योंकि अब तो आप लोग teenager category में हो ना, जल्दी adult वाली category में आ जाओगे. तो childhood की कौन सी सबसे ज्यादा ऐसी चीज है जो आप सबसे ज्यादा miss करते हो कि काश हम बड़े ना हुए होते तो ये चीज हमारे पास अब भी होती. हर्षित, मैम सोच रहा हूँ. अच्छा सोच रहे हो, सोचो. मोहित जो सोच ले पहले जरा हाथ खड़े करते जाना. Raise your hands as soon as you have thought about it. इतना difficult भी नहीं है, हम सब लोग सोच सकते हैं, चाहे वो लॉलीपॉप खाना हो. मोहित, मैम प्लेइंग विद फ्रेंड्स. मैम प्लेइंग विद फ्रेंड्स, क्योंकि आजकल हमारे प्लेस बड़े सोफिस्टिकेटेड हो गए तो हम लोग ना ऑनलाइन ही खेलते रहते हैं ना. ये आजकल ये जो ऑनलाइन गेम्स आ गई है, कम्युनिटी गेम्स, वी आर बिजी ऑन देम. आउटडोर गेम्स बहुत कम हो गई है ना मोहित. यस मैम. मैम वी यूज्ड टू गो पार्क एंड मैम देन यू यूज्ड टू गो आउट टू द पार्क. और आज आप पार्क जाके क्या करते हो, या तो जिम वाले वो जो लगे होते हैं इक्विपमेंट्स, यू मेक योर बॉडी ऑन दैट. क्योंकि आप अगर जरा सा भी खेलने के लिए, एक तो कंपनी भी होनी चाहिए ना इतनी बड़ी वाली कि आप उनके साथ खेल सको. चलो हर्षित ने सोच लिया. हर्षित अब आप बताओ. फ्री माइंडेड. पेपर है कल, कोई बात नहीं, मम्मी टेंशन ले लेगी, मुझे क्या टेंशन है ना. होता था ना, वैसे तो अब भी नहीं होती टेंशन, लेकिन बहुत सारी टेंशन नहीं होती थी, बहुत सारी वरीज, बहुत सारी हम डिपेंडेंट थे बहुत सेंस में, बट वो रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली फीलिंग नहीं थी. आजकल तो हर कोई यही सुना देता है, कब रिस्पॉन्सिबल होगे, कब समझोगे, है ना. ये वाला डायलॉग बहुत फ्रीक्वेंट आता होगा ना. हर्षित, मोहित, अक्षत, when will you become mature, when will you understand your responsibility that you are in 12th standard? aata hai? no ma'am. nahi aata. chalo abhi aana shuru ho jayega thoda sa, abhi 12th mein naye aaye ho na tum log. akshat ma'am, no responsibility. jaldi se batao, childhood ka kaun si cheez hai jo aap miss karte ho? akshat aise nahi karna bhai, this is not fair. सारा टाइम जो पैम्पर्ड होते थे हम लोग, है ना. We all miss that pampering. आजकल तो जरा सी गलती करो पहले सब डांटना शुरू कर देते हैं. वो pampering किसे तो किसी को समझाना होता ही नहीं है, सुनाना पहले चालू कर देते हैं. Okay. So on this note, we are going to start quickly with the chapter. हमारे लिए childhood का मतलब ये सब है. अब हम उन बच्चों के बारे में पढ़ रहे हैं जिनके लिए childhood का मतलब बिल्कुल different है. उनके लिए childhood का experience बिल्कुल हमसे different है. They have something else in the, for store in for themselves in the store. Yes, so this story that we are going to talk about is written by Ange Young, and the subtitle to the story is given Stories of Stolen Childhood. The children
here are having that kind of life where they are not able to enjoy that childhood with them. And that's why the chapter is entitled The Lost Spring. The spring season, the blooming season, which is a harbinger of wealth, fruitfulness, these children are not able to experience that. And these are some of the cases that the writer has observed. Yes? So let us go on with the thing. I hope my screen is visible to all of you. Yes, ma'am. Okay. So let us start reading the thing. And I would... Ma'am, next class continue kara dena. Next class continue. Matlab Harshad? Ma'am, battery nahi hai. पावर बैंक भी होगा ना, पावर बैंक लगा लो। अब नेक्स्ट क्लास अभी 44-40 हुए हैं बच्चे, और ये पीपीटी तो अभी मैं तुम्हें भेज ही दूंगी, कोई बात नहीं, बीच में अगर उड़ भी जाए पार तो दोबारा ज्वाइन कर लेना। पावर बैंक ढूंढ लो इतनी देर में। हर्षित, हम फोन में भी बैठे ही हैं, लैपटॉप में भी 2% है। पूरा दिन बस लैपटॉप पे ही करते रहे तो तुम लोग, काम था भी, लैपटॉप की बैटरी भी उड़ा रखी है तुमने, चार्जर लगा लो साथ साथ। हर्षित बेटा पेपर आ रहे हैं, कुछ तो लिहाज कर लो, पेपर की शर्म कर लो। चलो, अब चाइल्ड लेबर हमने हमें सब पता है, चाइल्ड लेबर के बारे में बहुत सारे रूल्स हमने पढ़े हैं। चाइल्ड लेबर हम सब वी डोंट लाइक इट, वी डिसवेड इट, बट स्टिल इट एग्जिस्ट इन आवर सोसाइटी। यस, सो वी ऑल नो द चाइल्ड लेबर, द मीनिंग ऑफ चाइल्ड लेबर। चाइल्ड लेबर इज द वर्क अंडरटेकन बाय अ चाइल्ड दैट इज हार्मफुल टू देम इन सम वे। The labor could be harmful by making them sick, stopping them from getting an education, or damaging them emotionally. So social, economical, cultural, physical, psychological, whole balance of a student, of a child is disturbed because of child labor. Because the children are tortured in every possible way. Ab agar aap ek chote se bachche se ek adult ki tarah kaam loge to uske liye to impossible hai. So we are talking about the same thing. So child labor is the thing. So around the world, some data for us to realize that itne sare rules bane hue hain, itne sare laws bane hue hain, still are we actually following them? Are we actually abiding by them? Bas Harshit ji ke to gaye, battery ud gayi hai phone laptop ki. 246 million children are child laborers throughout the world. 73 million working children are less than 10 years old. ये जितने भी आप लोग ये यूज करते हो ना, पतंगे, जो काइट्स आप यूज करते हो, क्रैकर्स जितने भी लोग अभी यूज करते हैं, वैसे तो बहुत सारी मूवमेंट्स होती हैं, और ये कलर्स जो यूज करते हैं, दे आर ऑल मींस जितनी भी इंडस्ट्रीज में काम हो रहा होता है, यहाँ पे लेबरर्स कौन होते हैं? चाइल्ड लेबरर्स होते हैं। एवरी ईयर 22,000 चिल्ड्रन डाई इन वर्क रिलेटेड एक्सीडेंट्स। सो 22,000 चिल्ड्रन एक्चुअली लूज देयर लाइफ बिकॉज ऑफ देयर वर्क प्लेस। 5.7 million children are forced into debt bondage. अब ये debt bondage क्या होता है? जैसे for example, एक बच्चा है, उसके father ने loan लिया, हम इसको loan कह रहे हैं simplified terms में, means मैंने कुछ उधार लिया, now I am not able to repay that amount. So who is going to repay that amount? My future generation is going to be the servant until that amount is repaid. So this is debt bondage or other forms of slavery. The largest number of working children are in the Asia Pacific region, and the most major number of such children are found in Asian countries. Most children work in informal sector. Informal sector means jahan pe koi unka enrollment nahi hai, homes, streets, and without any legal protection, nobody cares for them, nobody thinks of them, even the laws are helpless because people are not aware and people are not working on it. Children exploited. See how the children are working with wires and all. Ab bachcho ki age bhi dekho. Ab ye kuch organizations hain jo hamesha claim karti hain ki aap unhe bata sakte ho, but still people are ignorant about the fact. So now let us move towards the chapter after having a preview. So this is about the author Ange Young. Ange Young was born in Rourkela, Hyderabad in the year 1964. She completed her education in Hyderabad and USA, and she chose her career as a writer. And
most of our writings are focusing on the theme of poverty, traditional customs, traditional things which are going on in the family, and these things inhibit the children from choosing what they desire. अब अगर एक वॉशरमैन का बेटा है तो वो वॉशरमैन ही बनेगा. वो बचपन से अपने फादर के साथ वो चाइल्ड लेबर की तरह काम कर रहा है और वो वही करेगा. He can't go beyond that. अगर उसे मोटर मैकेनिक बनना है या उसे अगर एजुकेशन लेनी है, उसे IAS ऑफिसर बनना है, he can't. सोसाइटी का टैबू है. And she is talking about all such themes that how children are not having the bondage not only from the society but their own family. They don't get the support. So the lady whom we are talking about, Ange Young, she has worked as editor, columnist for various leading newspapers, not only in India but also abroad. Yes. Ab ye dekho, the various ways in which children are exploited. Brick industry, mechanic sheds, टी शॉप्स जहाँ पे वो बच्चे चाय पिलाते हुए घूमते रहते हैं, मार्केट्स में, फायरवर्क्स, कंस्ट्रक्शन, काइट मेकिंग, बहुत सारे एंडलेस, रैग पिकर्स. रैग पिकिंग में भी आपने बच्चों को देखा होगा, दे आर होल्डिंग दैट बैग ऑन देयर शोल्डर एंड मूविंग ऑन. इट इज अ डेली थिंग दैट वी हैड सीन अराउंड आवर सोसाइटीज. व्हेन द डॉग स्टार्ट बार्किंग नॉन चैलेंटली एंड कंटिन्यूअसली, तो हमें समझ आ जाता है कि कोई जा रहा होगा कूड़ा चुगने वाला. यस. अब चिल्ड्रन वर्क क्यों करते हैं वो हम सबको पता है. अक्षत बेटा प्लीज रीड. अक्षत मोहित. यस मैम. अक्षत यू आर देयर बेटा, स्टार्ट रीडिंग. बीइंग बोर्न इनटू अ पुअर फैमिली and working to earn money to support them and their family. Getting work experience in order to get a better job in the future. To earn pocket money to purchase whom they want. Being the head of their household. Yes, so all, thank you Akshat. All these things force the children to work. Ya to unki family mein itne sare members hain aur unki family bahut poor hai. So they have to go out to earn money and support themselves and their family. Sometimes they have very big dreams, so उस dream को practicality में पूरा करने के लिए they want to have an experience of the industry. Then to earn pocket money, some children do this that way also, that they go out to earn pocket money so that they can purchase the things that they want. Or the elder people in the family are not there, means parents की death हो गई है या mother भी है and mother is not able to go out to work. और जितने भी सिबलिंग्स हैं उसमें सबसे बड़ा सिबलिंग वही है और इसलिए उसे बाहर जाना पड़ रहा है. दो द एज ऑफ द सिबलिंग इज हार्डली 10 और 11 इयर्स ऑफ एज. यस मोहित द अदर पार्ट, व्हाई डू द चिल्ड्रन वर्क? बीइंग टेकन अगेंस्ट देयर विल एंड यूज्ड. नहीं, ऊपर वाला पॉइंट रह गया. दे और देयर फैमिली मेंबर्स हैव बीन थ्रेटन्ड. यस मैम. दे और देयर फैमिली मेंबर्स हैव बीन थ्रेटन्ड विद द हार्म इफ दे if they do not work, being taken against their will and used by or sold to corrupt people, being offered jobs and tricked into accepting a job without understanding the what is involved, often ending up in places which are unfamiliar. Yes, thank you Mohit. So they are working either by force, जो अब जमींदार होते हैं या जो भी होते हैं वो जब धमका देते हैं फैमिली को कि अगर तेरा बेटा काम करने नहीं आया तो तेरी फैमिली नहीं बचेगी. तो under that threat children work. Then child trafficking, आपने सुना होगा human trafficking के बारे में. So when children are stolen or kidnapped from a place and are sold to some other place, then they are supposed to work as beggars or as a household employee, household servant, or they are given job offers, and when they are tricked into those job offers, they are given a kind of job that they are not familiar with, and they are involved in that job being exploited there all the time. And this is one of the reason, the situation that they are born in, the things that they have around them, and the condition of their sustenance is far, far different from the condition of the life of people in cities, those who have money, and that's why the children are forced to work. So the theme, we will talk about the theme later on.
let us talk about the story. Yes. Story of Sahib-e Alam. Now the plot, the chapter of the story, the chapter is having two stories about two characters, and the name, the thing, the scenario of the thing is quite contrasting. So we will talk about it. Mohit, would you start reading? Yes, ma'am. Story of Sahib-e Alam. The story of Sahib-e Alam, rag picker, nine to ten years old, from distant village of Dhaka, left home with family because of storms and settled in Delhi in miserable conditions. Lifestyle of Sahib family, 10,000. Ma'am, there is some dark rag pickers. 10,000 rat pickers live there in the structure of made with cars of tin and tarpaulin. Cans of tin and tarpaulin. Wait. All families are devoid of sewage and drainage water. They are living here for more than 30 years without identity and permit. They have ration cards having names and which enable them to get the grain. Sahib gets new job and now he works in a tea stall and gets rupees 800 per month salary and 3 times meal. But he is not happy. So this is the story of first boy, Sahib-e Alam. Yes, his name is Sahib-e Alam and the name is very ironical because the boy is not even the owner of his own life. That's what he is going to do because he is working as a slave. He is working in a tea stall, getting 800 per month and getting his 3 times meals. But his name has lost. Sahib-e Alam was actually given the name to the emperor. Yes, but this thing is not existing for this boy. Akshat? Yes, ma'am. This is the other story, other part of the story of a boy, Mukesh. Yes, Akshat, read. Story of Mukesh, a bangle maker, work in factory of bangles in Faridabad. He does not want to adopt his ancestral profession. Hazardous job. Mukesh family is not a He does not want to adopt this ancestral profession. Is not wait a hazardous job. Mukesh family is not aware. Aware of illegal job for children. Working in the grim furnaces with high temperature. Great chances of losing brightness of eyes in factory. Mukesh blocked by garbage doors are. Mukesh home his house waste starts from stinking losses. Blocked by garbage doors are unsteady. No windows. His house is half dead, rough, but hut and roof covered by dead grass. Yes. So we have another story of a boy named Mukesh. He is born in the family of bangle makers. And his family works in a factory and he works in a factory of bangles in Firozabad. He doesn't want to go with this ancestral profession of making bangles. And his family is also not aware that this job is illegal for children because it is very hazardous. The temperature, the kind of glass with which they are working, it is all very hazardous. Because the children are in great chances of losing their brightness of their eyes, the visibility of eyes due to the extreme flames. Now, Mukesh lives at a place where his house is beginning from the stinking lanes. Garbage is all around. The door is unsteady, no windows, and the house is half built, covered by a dead grass. Yes. So there are so many things to talk about these two boys before we go on to the next part, that how these two boys from different backgrounds are suffering
due to not only their family background but also due to the lack of money, we have to go through the chapter. Yes, so we will go, and I would suggest both of you to go through the chapter, read the chapter, so that you are able to understand all these things that are existing. So I am reading the stigma of caste thing. Stigma means the pain of being born in a lower caste. Stigma of caste. Mukesh's grandmother says that this work is his karam, destiny, fate. It is carried out by the ancestors from longer period of time. It has, this work of bangle making has been carried out by their ancestors. They are born in the caste of bangle makers and seen nothing but bangles. Bangle shops are carried out this work. Bangles are carried out in this work, and even if they do not get a two-time meal, a day's meal. There are two distinct worlds are being talked about when the author is asking, or author is trying to tell us that how the bangle making is quite different from the world of outside. That means the, we all know that in Hindu tradition, the ladies wear bangles. Yes, whenever they have a festival, whenever they have a puja, anything, they wear bangles. And the bangles that they wear in the family of bangle makers, the wives lose their husband because they are in the profession of bangle making. Yes, they, and when the author asks that why do they go for bangle making, why don't they organize themselves, why don't they sell the things on their own, then the lady tells her that if they are going to complain about this, if they are going to make a union about this, then they will be locked up by the police for the illegal work. So now the writer, when she talks about this, she realizes that there are two different worlds existing in their life. Mohit, you want to say something? Sorry, ma'am, by mistake. First world, that they are called, they are caught in the world of poverty. They are having a stigma of caste. And the other world, which is of vicious circle. Vicious circle means never-ending circle of money lenders. The middlemen. Middlemen kaun hote hain? Jo beech mein aapke paise leke aapka kaam karte hain. Policemen. Bureaucrats. So, together they have come together and made a burden on the child. So, the writer, when she talks to these two kids from a different background, she realizes that how they are suffering not only because of their birth, but also because of the society, that everyone is involved. If they are suffering, the society, the people in power are also responsible. So, Ann Jung picturizes a small boy from Simapuri. Now, who is this boy from Simapuri? Sahib-e-Alam, a place in the periphery of New Delhi. आपने देखा सीमापुरी के पास का एरिया? जरा उस बारे में जरा एक्सप्लोर करना, ये जो जहाँ ये आजादपुर के पास, जब आप जैसी बॉर्डर के साइड जाते हो ना, ये वाला एरिया आपको दिखेगा, एंड इट इज ऑल स्लम एरिया एंड ह्यूज हीप्स ऑफ गार्बेज कैन बी सीन देयर. शी क्लियरली टेल्स हाउ दिस स्मॉल बॉय साहिब आलम, हु इज अ रैग पिकर, ऑलवेज क्राउचिंग फॉर गोल्ड इन द गार्बेज. अब ये गोल्ड क्या है इसके लिए? जब ये गार्बेज में, कूड़े में कुछ कुछ ढूंढ रहा होता है, कभी कोई नोट मिल जाना, कॉइन मिल जाना पैसों का, सो दिस इज गोल्ड फॉर हिम, कि उसका तो दिन बन गया. अगर उसे 10 रुपए का कॉइन भी मिला या 10 रुपए का नोट मिल गया, देन हिज डे इज डन. बट दिस बॉय लेटर वर्क्स इन अ टी स्टॉल फॉर गेटिंग अ फिक्स सैलरी, एंड दिस सैलरी इज गोइंग टू बी ग्रेट अमाउंट फॉर हिम बिकॉज it is not only going to support him, he will get his 3 times meal, but also it will support his family. But Sahib-e-Alam was happier when he was working as a rag picker because he was enjoying his life the way he wanted. But when he is working at the tea stall, he is not able to enjoy his life any which way. Now, next she focuses the attention to a young girl called Savita. Savita is a young girl, sold us glass pieces without... Now, Savita is in the household of the other boy, Mukesh. She's soldering the glass pieces without even knowing its hidden symbolism. Means, she is putting those bangle thing together. She's giving shape to that glass bangle.
She doesn't know how auspicious those bangles are for a woman. Yes? And the people are not able to understand the importance of bangles and they are not able to organize themselves or fight for their rights. They have no knowledge that child labor is a criminal offense. Because police, bureaucrats, politicians, all are involved in exploiting them. Then she pitches about a boy named Mukesh. Then the other boy comes into picture, Mukesh. He also helps in his parents in bangle making. And in his family, also the parda system is followed. Because there is a daughter-in-law in the house and whenever somebody is entering the house, she is keeping herself in that ghungat. So Mukesh doesn't like the system of this work of bangle making and he wants to learn to be a motor mechanic. So he wants to get up, get away from this traditional ancestral work. But he is having that dream. The contrast between the two stories is ki Sahib-e-Alam apni reality ko accept kar chuka hai. Usne apni reality ko accept karte hue apne liye ek job accept kar li hai jahan pe wo ek tea stall pe kaam karta hai. और अब उसे अपना फ्यूचर दिखता है कि वो सिर्फ वो 800 रुपीस पर मंथ कमाएगा, तीन टाइम का खाना उसे मिलेगा, अपनी फैमिली के लिए स्टेबिलिटी मिल जाएगी, बट उसका अपना चाइल्डहुड खत्म हो जाएगा। यहाँ पे एक बॉय है मुकेश, जिसकी फैमिली में सबके पास भरपेट खाना भी नहीं होता है। He has also accepted his destiny that he is working as a bangle maker in his family business, in his family ancestral work, but he has still his dream that one day he will learn the work of a motor mechanic and he would be able to change his life. Yes. So on this note, abhi hum chapter ko aur discuss karenge. Humne sirf chapter ka sirf overview pe thodi si baat ki hai. I would advise ki aap log next class mein apna chapter thoda sa padhna so that you are able to talk about the chapter and we will detail out, we will discuss in detail how the chapter is talking about so many different things with the help of these two different stories of Sahib-e-Alam and मुकेश। यस 5 o'clock हो गए, मुझे लगता है तुम लोगों की क्लास भी है गौरव सर के साथ। यस सो यू पीपल कैन स्टार्ट लीविंग। नेक्स्ट क्लास में आप लोग टाइम से आओगे और मैं इस पीपीटी को आपको भेज दूंगी सो दैट यू कैन रीड एंड इट विल बी अ हेल्पफुल थिंग टू यू। राइट थैंक यू मैम। थैंक यू बेटा। बाय मैम। बाय।